हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैथ पज़ल को सॉल्व करना सीखेंगे, साथ ही एक बहुत ही अच्छी ट्रिक भी जानेंगे जिससे आप लोग मैथ पज़ल को देखते ही सॉल्व कर लोगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हमारा पहला पज़ल है, 1 + 1 इज इक्वल टू 5 दे रखा है, 2 + 2 इज इक्वल टू 20, 3 + 3 इज इक्वल टू 45, 4 + 4 हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। 1 + 1 तो 2 होता है, लेकिन यहाँ 5 दे रखा है, तो 2 में इन्होंने या तो कुछ जोड़ा है या किसी से गुणा की है, तभी तो 5 आया है। तो 2 से अगर हम किसी की भी गुणा करें तो 5 नहीं आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 5 होता ही नहीं है। तो इन्होंने कुछ जोड़ा है, तो कुछ जोड़ कर देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है। तो यही ट्रिक हम इसमें लगाते हैं, 2 + 2 कितना हो रहा है 4, और 4 में हम 3 जोड़ देते हैं, 4 और 3 हो जाता है 7, और यहाँ दे रखा है 20। तो ये ट्रिक हो गई हमारी फेल। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम इनकी गुणा कराएं तो क्या होता है, जिसे यहाँ 1 और 1 + में दे रखा है, लेकिन हम यहाँ गुणा करा के देखते हैं, मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। 1 की जब 1 से कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1, और इस 1 की अगर हम 5 से करा दें तो क्या आ जाएगा, 5। ऐसे ही हम इसमें करते हैं, 2 की 2 से कराते हैं तो हमारे पास आया 4, और 4 की हम करा देते हैं 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 20, और 20 ही हमें लाना था। तो यही ट्रिक हम इस पे लगाते हैं, दोनों नंबर की पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 × 3 हो जाएगा 9, और 9 की भी हम 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 9 × 5 = 45। तो देखिए, ये ट्रिक हमारी काम कर गई। तो ऐसे ही हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, 4 × 4 = क्या होता है 16, और 16 की मल्टीप्लाई हम 5 से करा देते हैं, 16 × 5 = होता है 80। तो इस पजल का आंसर आ गया 80। दूसरा पजल है हमारा, 3 + 2 दे रखा है 10, 5 + 3 दे रखा है 16, 6 + 4 दे रखा है 20, और 9 + 3 हमें निकालना है। अब देखिए, 3 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 5, लेकिन हमें लाना है 10। तो 5 में या तो किसी से मल्टीप्लाई करें या कुछ जोड़ें, जब ही तो 10 आएगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई करा कर देखते हैं, तो 5 की किससे मल्टीप्लाई कराने पर 10 आ जाएगा, 2 से, 5 × 2 = 10 होता है। तो 5 की जब हमने 2 से कराई तो हमारे पास आ गया 10। तो यही ट्रिक अब हम इसमें लगाते हैं, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 की भी हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 × 2 = क्या होता है 16, और 16 ही हमें लाना है। यही हम इसमें लगा कर देखते हैं, 6 और 4 होता है 10, और 10 की भी हम 2 से करा देते हैं, तो ये आ गया 20। तो देखिए, ये ट्रिक हमारी काम कर गई। इसी ट्रिक से हम इसका आंसर निकालेंगे, 9 और 3 हो जाएगा 12, और 12 की करा देंगे हम 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 × 2 = 24। तो इस पजल का आंसर आ गया 24। हमारा तीसरा पजल है, 4 + 1 दे रखा है 5, 2 + 5 दे रखा है 12, 3 + 6 दे रखा है 21, 8 + 11 हमें निकालना है। तो देखिए, 4 + 1 तो 5 होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 + 5 क्या होता है 7, और हमारा आंसर क्या है 12। तो 7 में या तो किसी से मल्टीप्लाई कराई है या कुछ जोड़ा है, जब ही तो 12 आया है। लेकिन अगर हम 7 की किसी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 12 नहीं आएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 12 होता ही नहीं है। तो यहाँ कुछ जोड़ा गया है, तो देखिए 7 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि 12 आ जाए। तो 7 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब ये देखिए, 5 जो है ये तो ऊपर ही दे रखा था, इसका मतलब इन दोनों में हमें ऊपर वाला जोड़ने पर आंसर मिल गया। तो यही ट्रिक हम इसमें लगाते हैं, 3 और 6 कितना होता है 9, और इसमें हम ऊपर वाला जोड़ देते हैं 12, तो हमारा आंसर क्या आया 21। तो देखिए, सही काम कर रही है ये ट्रिक, 21 ही हमें लाना था। तो यही अब हम इसमें करेंगे, 8 और 11 कितना हो जाएगा 19, और 19 में हम ऊपर वाला जोड़ देंगे 21, ये कितना हो जाएगा 40। तो 40 आ गया इस पजल का आंसर। हमारा चौथा पजल है, 2 + 2 दे रखा है 8, 3 + 3 दे रखा है 18, 4 + 4 दे रखा है 32,
5 + 5 हमें निकालना है। तो देखिए 2 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, और हमें लाना क्या है 8। तो अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा आंसर क्या आएगा 8। तो यही ट्रिक अब हम इस पर लगा कर देखते हैं, 3 और 3 कितना होता है 6, और अगर हम 6 की 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आएगा 12, और हमें लाना क्या है 18। तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो किसी और से मल्टीप्लाई करा कर देखते हैं, 3 से कराते हैं, 6 3 का क्या होता है 18। अब हम इसमें लगाते हैं 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अब 8 की हम किससे मल्टीप्लाई कराएं 32 आ जाए 4 से, 8 4 का क्या होता है 32। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो मल्टीप्लाई की डिजिट है वो बढ़ रही हैं, पहले 2 से कराई, फिर 3 से कराई, फिर 4 से कराई, तो अब हमें किससे करानी होगी 5 से, 5 + 5 हो जाएगा 10, और 10 की हम करा देंगे 5 से, 5 × 10 = 50। तो इस पजल का आंसर आ गया 50। पांचवा पजल है हमारा 2 + 1 दे रखा है हमें 31, 3 + 2 दे रखा है 51, 4 + 3 दे रखा है 71, 5 + 4 हमें निकालना है। तो 2 और 1 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा 3, और यहाँ दे रखा है 31। तो 3 की अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 31 नहीं आएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यही वाला 1 सब में लगा दिया गया है, देखिए यहाँ भी 1 लगा हुआ है, यहाँ भी 1 लगा हुआ है, यहाँ भी 1 लगा हुआ है, तो यहाँ भी हम 1 लगा देते हैं। 3 + 2 कितना होता है 5, और अपने पास से 1 लगा दो। 4 + 3 कितना होता है 7, तो जैसे हम यहाँ 1 लगा रहे हैं ऐसे ही हम यहाँ 1 लगा देंगे। ऐसे ही 5 + 4 क्या होगा 9, और अपने पास से जो 1 चलता आ रहा है वही हमें इसमें लगाना है। तो इस पजल का आंसर आ गया 91। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।